आज आसाम में हमें सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री मिला। आज सुबह मेरे कोई प्रेस रिपोर्टर से, एक बिजनेस एनालिस्ट से बात हुआ, उन्होंने बोला कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री व्हाई इन असम, गुजरात में होते हैं यू कैन अंडरस्टैंड, महाराष्ट्र में होते हैं यू कैन अंडरस्टैंड, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन असम। और प्रधानमंत्री जी ने मुझको बोला ये असम मत बोलो, उत्तर पूर्व में आए है बोलो। यू कैन थिंक अबाउट 27,000 crores ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑन ए डिफरेंट सेक्टर। कोई सीमेंट का इंडस्ट्री नहीं है, कोई पेट्रोलियम का इंडस्ट्री नहीं है कि आप नेचुरल रिसोर्स का ऊपर इंडस्ट्री बन रहा है। ये इंडस्ट्री बन रहा है जो फ्यूचर इंडस्ट्री है। देश में सेमीकंडक्टर रिवोल्यूशन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन आएगा, एंड नॉर्थ ईस्ट विल बी हब ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन। आप थोड़ा दिन का बाद अमेरिका में आप कोई भी गाड़ी में आप उठिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, भाई इसका सेमीकंडक्टर कहां से आया है? नॉर्थ ईस्ट से आया है। नॉर्थ ईस्ट का सेमीकंडक्टर का ऊपर अमेरिका में गाड़ी चल रहा है। थोड़ा दिन पहले मैं मोदी जी को मिला, मोदी जी ने मुझको बोला हिमन चिकन नेक बहुत छोटे है। मैं बोला हाँ छोटे तो है ही, दैट इज आवर जियोग्राफी, वी आर लिंक विद द कंट्री थ्रू ए पोर्शन कॉल चिकन नेक। कभी कभी लोग बोलते हैं कि चिकन नेक काट भी दूंगा, वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला लोग था उन्होंने बोला भी था कि मैं चिकन नेक काट दूंगा। अभी मोदी जी मुझको बोल रहा है कि ऊपर में चिकन नेक रहने दो, नीचे से हम लोग अंडरग्राउंड रोड बनाएगा बिटवीन बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट। नीचे से ऊपर में रोड रहेगा, नीचे में अंडरग्राउंड रहेगा। पहले तो मैं भी सोचा था ये स्टोरीज है, लेकिन थोड़ा दिन पहले डिफेंस मिनिस्ट्री का पास लोग मेरा पास गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज का लोग मेरा पास गया और मुझको बोला कि सर हम लोग को क्लियरेंस मिल गया, गोहपुर से नुमलीगढ़ तक हम ब्रह्मपुत्र का टनल बनाऊंगा विथ फोर लेन रोड थ्रू द टनल। तो पहले मैं सोचा अगर मैं बोल दू प्रेस में लोग तो सुबह मुझको हंसना शुरू कर देगा। मैंने कागज बार बार देखा, जब कागज को पढ़ा फिर मैंने उनको ग्राउंड पूछा भाई क्यों टनल बनने जा रहा है, देन आई गॉट कन्विंस। और लोग बाद में लोगों को जाके बताया अभी चिकन नेक का ऊपर भी टनल बनाना है, ऐसा भी मोदी जी सोचते हैं। यू कैन थिंक अबाउट हिज विजन फॉर नॉर्थ ईस्ट। एक पत्रकार ने पूछा कि केजरीवाल ने ये बोला है वो बोला है, मैंने बोला हूं देखो भैया अगर 7 दिन तिहार जैसा जेल में रहता है, दिन भर क्रिमिनल का साथ ही बैठे रहता है, उनका मानसिक संतुलन आज का दिन क्या होगा? आप क्यों केजरीवाल का अगेंस्ट में मुझसे बुलवाते रहता है? मैं बोला जर्नलिस्ट लोगों को मैंने पूछा कि भाई परसों दिन जेल से निकाला और तिहार में कौन रहता है? कत्तर क्रिमिनल ही तो रहता है ना, कोई तो मामूली इंसान तो वहां नहीं जाते हैं। वहां से केजरीवाल जी ने बोला कि मोदी जी को 220 मिलेगा। मैं बोला बहुत अच्छा बात बोला। अगर केजरीवाल में, केजरीवाल जी कहां से आया? तिहार से। तिहार में कौन है? क्रिमिनल लोग है जो मोदी जी जेल में डाल के रखा है। अगर क्रिमिनल ही मोदी जी को 220 दे रहा है तो भारत का जनता तो 400 तो देगा ही देगा ना। सबसे क्रिमिनल लोग क्या बोलेगा, ये मोदी बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री नहीं है, उनको 200 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर क्रिमिनल हमें 220 दे रहा है तो भारत का जनता हमें कितना देगा? तो आप सोचिए केजरीवाल हमको अच्छा खबर दिया कि नहीं दिया कि जेल में भी यह बातचीत हो रहा है कि मोदी जी 220 सीट मिलने वाला है। केजरीवाल ने बोला कि आपने शिवराज चौहान जी को क्यों सीएम नहीं बनाया? हम आपको पूछना चाहता हूं, आप प्रशांत भूषण को क्यों पार्टी से निकाला? आपने कुमार विश्वास को क्यों पार्टी से निकाला? आपने ही जोगिंदर यादव को क्यों पार्टी से निकाला? आपने अन्ना हजारे को पीछे से आपने साकू क्यों फेंका? तो आप अपना बारे में बात कीजिए। फिर मेरा दिमाग में आया नहीं नहीं अभी तिहार से आए हैं, 4-5 दिन तो लगेगा ना अपना सेटिंग करने में। और फिर आज बोल रहा है कि भाइयों आप मोदी जी को मत जिताओ, अगर आप चाहते हैं मैं जेल में दोबारा नहीं जाऊं। केजरीवाल जी
आपका परमानेंट एड्रेस तिहाड़ जेल में ही है और आपको उधर ही जाना है। आपका नाम शराब घोटाला से जोड़ जाते हैं, शर्म नहीं आते हैं? कम से कम आप अन्ना हजारे का शिष्य था, सारे घोटाला आप करो, लेकिन शराब घोटाला क्यों करते? दूसरा घोटाला में भी हो सकता है, लेकिन आपने सीधा की सीधा किया शराब घोटाला में। आपने हमारा देश का सेना ने पुलिस ने बलिदान दिया पंजाब के लिए, आपने खालिस्तानियों का साथ हाथ मिला लिया, आपने क्या नहीं किया? आपने बोला मैं कांग्रेस का साथ कभी अलायंस नहीं करूंगा, अभी 3 सीट आप कांग्रेस को दे दिया दिल्ली में, कांग्रेस आपका दोस्त हो गया। आप बोला मैं साधारण लोगों का जीवन यापन करूंगा, अरे मैं भी एक मुख्यमंत्री हूं, लेकिन 45-50 करोड़ का बंगलों में कोई सीएम रहता है क्या भारत में? आज तो देश को ये जाके देखना है, आप मोहल्ला क्लिनिक बनाया ऐसा और सीएम का बंगला बनाया ताजमहल जैसा। लेकिन अगर आप अच्छा इंसान होते थे तो मोहल्ला क्लिनिक आप ताजमहल जैसा बनाता था और सीएम का कोठी आप मोहल्ला क्लिनिक जैसा बनाता था। मैं सच बोला हूं कि नहीं बोला हूं? मोहल्ला क्लिनिक में कौन जाता है? गरीब जाते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक ताजमहल जैसा होना चाहिए था और सीएम का जो ताजमहल जैसा बंगलो है वो मोहल्ला क्लिनिक जैसा होना चाहिए। हुआ तो उल्टा है। अभी आप मोहल्ला क्लिनिक जाइए, मुझको गुवाहाटी में गया केजरीवाल जी, मुझको बोला मोहल्ला क्लिनिक देखने आइए। मैं देखने आया, मैं देखने का बाद मैंने बोला कि भगवान दिल्ली वासियों को मदद करे, अगर मोहल्ला क्लिनिक कोई स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिकेटर होता है तो उससे कोई खराब चीज नहीं होता है। मैंने केजरीवाल जी को बोला कि आप मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, मैं असम में मेडिकल कॉलेज बनाऊ। सारे जो आपका कार्यक्रम है उसमें सारे नियत में गलत है। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, लोगों का मोबाइल नंबर 0 आ जाते हैं। भाई 0 भी मोबाइल नंबर होते हैं क्या? मतलब आप लोगों का टेस्टिंग का भी पैसा में आप गड़बड़ी कर देते हैं। अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो मोदी जी को हमें 700 सीट देना पड़ेगा। अभी अभी हमारा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मुगलों ने हमसे कृष्ण जन्मभूमि भी लेके गया था, राम जन्मभूमि लेके गया था और बनारस से हमसे जमीन लेके ज्ञानवापी मस्जिद का शुरुआत भी किया था। तभी मोदी जी ने तो राम मंदिर का रामलाला प्रतिष्ठा किया, बाबरी मस्जिद से हमें मुक्त किया, लेकिन हमें कृष्ण जन्मभूमि भी मथुरा में मुक्त करना है कि नहीं? हमें है कि नहीं? और हमें ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में वाराणसी में भव्य शिव जी का मंदिर बनाना है कि नहीं बनाना है? मतलब आप देखिए, हमारा देश का बहुत ज्यादा एजेंडा है। हमारा देश में आपने देखा होगा कि हमसे कांग्रेस का समय में पूरे कश्मीर को हम भारत का साथ विलय कर सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। अगर अभी विलय करना है, हमें एक योग पुरुष को ही प्रधानमंत्री बनाना है, और मोदी जी का आप अगर छोड़ देते हैं तो देश में दूर दूर तक भी हमें दिखाई नहीं देता है कि और कोई दूसरा व्यक्ति हमारा पास है। हमारा उत्तर पूर्व का विकास में हमें और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करना। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जहां में भी आप लोग नॉर्थ ईस्ट का लोगों को मिलते हैं दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट का विकास का जो बहुत बड़ा काम हुआ लास्ट 10 ईयर्स में, हर प्रदेश में हुआ है, हर स्टेट में हुआ है, इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट, इट कैन बी सीन, इट कैन बी फेल्ट। पूरा जो नॉर्थ ईस्ट में विकास का काम हुआ है, हमें हमारा साथियों को बोलना भी है और साथ में हमें यही बोलना है, हमारे जन्मभूमि के लिए जो व्यक्ति इतना कुछ कर रहा है, इसको तो वोट देना बहुत ही छोटे बात है। इलेक्शन का दिन सुबह मंदिर भी जाना, सार्ज भी जाना, और मोदी जी का लंबा आयु के लिए भी प्रार्थना करना है, और मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने 400 सीट लेके, इनके लिए भी प्रार्थना करना है। वोट देना तो
मोदी जी को वोट देना तो एक बहुत बड़े एक छोटे काम है, वो तो देना ही है, उसका नॉर्थ ईस्ट का लोगों के लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इफ वी लाइक आवर लैंड, हम अगर हमारा मातृभूमि को प्यार करता हूं तो हमारा पास कोई विकल्प है ही नहीं। बट कीपिंग असाइड, हमें मोदी जी का लंबा आयु के लिए भी प्रार्थना करना है और मोदी जी का देश का अगली 5 साल नहीं 10-15 साल मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे और देश को विश्व गुरु बनाइए, भारत को विश्व गुरु बनाइए और हमारा उत्तर पूर्व को देश का सबसे विकासशील प्रगतिशील एक रीजन बनाइए। इसके लिए हमें कमल में सांप भी देना है, मोदी जी को पूरा ताकत देना है। मेरा यही आपको निवेदन है।